Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimladevi Public School. I am studying class 1st, subject EVS. In our last classes, we discuss our chapter number 9, air. Air means hava. About this chapter, we already discussed air is around us. हवा जो है हमारे चारों ओर है. वी कांट सी एयर बट वी कैन ओनली फील. हम हवा को देख तो नहीं सकते बट हवा को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना. देन वी डिस्कस एयर इज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एयर हैज़ अ वेट. उसके बाद हमने देखा कि हवा जो है खाली जगह को घेर लेती है और हवा में वजन भी होता है. टुडे वी डिस्कस यूजेस ऑफ एयर. यूज मीन्स उपयोगिता. हवा का उपयोग हम किस किस कामों में करते हैं. USES यूजेस OF ऑफ AIR एयर. यूजेस ऑफ एयर हवा की उपयोगिता. लेट अस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. आज हम इम्पोर्टेंट मीन्स उपयोगिता, महत्वपूर्ण क्यों है एयर, हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों है, ये चीज़ें हम आज सीखेंगे. एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें जिन जो ग्रोथ करती है, जिनमें जान हो, है ना. तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, लिविंग थिंग कहेंगे. तो लिविंग थिंग कौन कौन होते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे इंसान, ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज, सारे पेड़ पौधे, एंड ऑल एनिमल्स, एनिमल्स क्रिएचर्स, जितने भी जीव जंतु हैं सभी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, है ना. एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल. तो हवा है, हवा जो है सबके लिए जरूरी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, है ना. क्यों, पेल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, सभी को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लिव करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए. हम मैन को क्यों चाहिए, हम इंसानों को क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो ब्रीदिंग करते हैं ना, सांस लेते हैं, तो बिना हवा के सांस ले सकते हैं क्या, नो. बिना एयर हमें, हम जो है ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल, सांस अंदर लेते बाहर लेते, इन सब में क्या होता है, एयर होता है. वैसे ही प्लांट के लिए भी एयर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. प्लांट के लिए ग्रोथ करने के लिए, प्लांट को अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए. जैसे हमें ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए होता है, वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी ब्रीदिंग करते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं ना, तो उनको भी ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है. तो एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, प्यूपिल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, देन ये तो बहुत, ये जो हमने अभी इम्पोर्टेंट चीज़ देखा था वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिना हवा के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते. इसके अलावा और कौन कौन से यूजेस हैं, और कौन कौन से काम हैं जो एयर के थ्रू होता है. वी वेट क्लॉथ्स ड्राई विद द हेल्प ऑफ एयर. जो वेट क्लॉथ है, गीले कपड़े हैं, वो हवा के हेल्प से क्या हो जाते हैं, ड्राई मीन्स सूखना, सूख जाते हैं, है ना. हम क्या करते हैं, जिस दिन सनलाइट नहीं होता, सूर्य नहीं निकले रहता, तो भी हम कपड़े ऊपर डाल देते हैं और हमारे कपड़े जो हैं सूख भी जाते हैं. तो बिना सनलाइट के, बिना सूर्य की रोशनी के, हमारे जो कपड़े हैं कैसे सूख जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एयर. क्योंकि हवा से ही, हवा से भी हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते, सूख जाते. तो सेकेंड यूज़ हो जाएगा, वेट क्लॉथ ड्राई विद द हेल्प ऑफ एयर. ओके, देन सेलिंग बोट. सेलिंग बोट, ग्लाइडर्स, विंड मिल्स एंड हॉट एयर बलून्स मूव विद द एयर. इसके अलावा हवा का उपयोग हम सेल बोट, मतलब नाव, नाव जो होता है, ग्लाइडर, विंड मिल, जो बड़े बड़े खंभे रहते हैं ना, बड़े बड़े खंभों को में बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो होते हैं विंड मिल. ये पंखे हवा के माध्यम से भी, से ही क्या करते हैं, चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर. दिस फैन आर मूव. जो पंखे लगे होते हैं बड़े बड़े विंड मिल में, वो हवा के माध्यम से ही क्या करते हैं, चलते हैं. हॉट एयर बलून, ये जैसे पैरासूट जैसा दिखाई दे रहा है, ये किसके थ्रू मूव करता है, एयर के थ्रू. हवा के द्वारा हम सेल बोट है, ग्लाइडर है, विंड मिल है, एयर हॉट बलून है, इन सबको
चलाते हैं. एयर हेल्प टू लाइट अ फायर एंड पुट इट आउट. हवा जो है किसी चीज़ को जलने में कौन हेल्प करती है, आपकी हवा हेल्प करती है. बिना हवा के आप किसी चीज़ को नहीं जला सकते. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पेट फ्लूट एंड फ्लूट्स आर प्लेड विद द हेल्प ऑफ एयर. और कुछ कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. जैसे फ्लूट है, बांसुरी है. बांसुरी बिना हवा के बजती है क्या? नहीं बज सकती. आप मुंह से हवा डालेंगे तभी ये क्या करेगा, बजेगा, है ना. तो एयर का क्या क्या यूज़ हमने देख लिया. हमने देखा एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. सभी जो लिविंग थिंग है उन सभी के लिए हवा बहुत जरूरी है. एयर इज़ यूज टू ड्राई द क्लॉथ. हवा का यूज़ हम कपड़ों को सुखाने के लिए करेंगे. एयर इज़ यूज टू सेलबोट विंड मिल एंड हॉट एयर बलून. और इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए. देन एयर इज हेल्प टू लाइट द फायर. आग जलाने के लिए भी क्या किसकी ज़रूरत होती है आपको, एयर की. एंड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड विद द हेल्प ऑफ एयर. और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है. ओके. क्वेश्चन आंसर पार्ट. सर्कल द थिंग्स दैट मूव विद द हेल्प ऑफ एयर. ऐसी चीज़ों को सर्कल करिए जो हवा के माध्यम से, हवा के थ्रू चलते हैं. तो फर्स्ट है क्या, लैपटॉप जो है, कंप्यूटर हवा के हेल्प से चलेगा? नो. तो सेकेंड में है पेपर फैन. पेपर फैन को फ्लाई करने के लिए, पेपर फैन को चलाने के लिए एयर चाहिए कि नहीं? यस. तो इसमें आप सर्कल कर दीजिए. वसीम, बलून है, एयर बलून. एयर बलून को चलाने चलने के लिए भी क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है. देन सेलबोट. सेलबोट को भी मूव करने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए होती है, एयर की. देन पेंसिल. पेंसिल से क्या रिटर्न करने के लिए एयर हेल्प करता है? नो. फ्लूट, सॉरी, ये इसमें भी आप सर्कल कर लेंगे क्योंकि इससे, इसको भी आप मुंह से जब हवा देते हैं तभी ये जो प्लेट है वो चलता है. ठीक है, ये पार्ट, ये वाला भी आप सर्कल कर लेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक क्लॉथ ड्राई विद द हेल्प ऑफ एयर. एयर के हेल्प से कैसे कपड़े हैं जो सूख जाते हैं, वेट क्लॉथ, गीले कपड़े. ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे WET, वेट. वेट मीन्स गीला. वेट क्लॉथ्स ड्राई विद द हेल्प ऑफ एयर. ब्लैंक हेल्प द पेपर टू बर्न. पेपर को बर्न करने के लिए, पेपर को जलने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, एयर. AIR. एयर हेल्प द पेपर टू बर्न. वी नीड एयर टू ब्लैंक. हमें हवा की ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, जीने के लिए, लाइव करने के लिए. LIVE, लाइव. वी नीड टू एयर टू लाइव. ओके, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 9, एयर कंप्लीटेड. ओके, ऑल जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर पार्ट है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए. ट्यूसडे को मैं चैप्टर 9 का टेस्ट लूँगी. ओके.